झारखंड के दुमका का जो घटना हुआ है अंकिता और शाहरुख का, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि अंकिता को आज से कुछ दिन पहले उसके सन के आशिक शाहरुख ने जिस प्रकार पेट्रोल छिड़क कर और आग लगा दी, जिससे 90% से ज़्यादा उसका शरीर जल गया था अंकिता का, जिसके कारण उसकी देहांत हो गई। आज हम आपको बता दें अंकिता को जिस प्रकार से पेट्रोल छिड़का गया था, और यह घटना सुबह की थी, जिस प्रकार अंकिता के डॉक्टर जो थे नज़दीकी सदर अस्पताल के, उनका कहना है, और शाम के 5 बजे तक अंकिता वह उसी अस्पताल में थी, उसके बाद उसे रांची के रिम्स के लिए भेजा गया था। आखिरकार क्या कुछ हुआ था, देखिए, अंकिता जिस रूम में सोई हुई थी उसके खिड़की के बाहर से सनकी आशिक द्वारा, जिसका नाम शाहरुख है, वह पेट्रोल छिड़क देता है, और जब अंकिता की नींद खुलती है तब तक माचिस मार कर फेंक देता है। अंकिता के पिता संजीव सिंह का कहना है कि तब वह आवाज़ सुने अपने बेटी की, और कोई कपड़ा उनके हाथ जो कुछ लगा उसे लेकर दौड़े और आग बुझाने की कोशिश किए, और बाद में उनकी बेटी यानी कि जो अंकिता अब इस दुनिया में नहीं रही, वह पानी भी अपने शरीर पर डाल लेती है, क्योंकि जलन हो रहा था उसके कारण। उसके बाद इन लोगों ने आनन फानन में अस्पताल लेकर गए और वहाँ पर इलाज चला। हालांकि अंकिता उस वक्त बोल रही थी, अच्छा खासा बयान दी, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि 90% बर्न केस था, जिसमें बचना अक्सर लोगों के लिए नामुमकिन होता है। उसके बाद अस्पताल ने एम्बुलेंस के द्वारा रांची के रिम्स में भेजने का काम किया, जहां अंकिता गई। इस बीच जो घटना है, आपको बता दें, शाहरुख और उसका दोस्त छोटू नाम का जो यह सनकी है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तस्वीर खूब वायरल हो रहा है अंकिता और शाहरुख की। हालांकि इस तस्वीर की पुष्टि बिहार एक सोच नहीं करता है। अंकिता के पिता संजीव सिंह का कहना है कि इस फोटो को एडिट किया गया है, जोड़ा गया है। हालांकि लोग इस फोटो को वायरल कर रहे हैं और तरह तरह का बयानबाजी भी हो रहा है। अब अंकिता सिंह के पिता यानी कि संजीव सिंह का कहना है कि शाहरुख और उसका दोस्त छोटू दोनों ड्रग्स लेते थे। हालांकि अब इस बात में कितनी सच्चाई है, एक एक चीज़ जानकारी हो रही है। प्रशासन भी इसमें खूब अच्छी तरीके से काम कर रही है। आपको बता दें, स्पेशल पुलिस की भी बहाली कर दी गई है। रांची के सरकार हेमंत सोरेन ने इसको पूरी गंभीरता से लिया है। जितनी जल्द हो सके आरोपी के ऊपर कार्रवाई होगा, और इन तमाम चीज़ों पर जांच बैठा हुआ है कि आखिरकार क्या मामला है, पूरा इसे जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि यह घटना जिस प्रकार हुआ है, यह निंदनीय घटना है। जिस प्रकार एक सनकी द्वारा यह काम किया गया है, हालांकि गिरफ्तार होते वक्त उनकी तस्वीर देखिए, उस दरिंदे का तस्वीर देखिए शाहरुख का, उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी शिकंज नहीं है कि वह इतना बड़ा अपराध किया है, हंसते हुए जा रहा है। अब इसे आप क्या कहेंगे, क्या उसे प्रशासन का खौफ नहीं है, कानून का डर नहीं है? तस्वीर में सीधा आप देख सकते हैं किस प्रकार मुस्कुरा रहा है वह दरिंदा जो एक नाबालिग लड़की को पेट्रोल छिड़क कर मार डाला। लगातार एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, आप बिहार एक सोच पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।